तो फाइनली गाइस अभी UMT का एक और नया अपडेट आ चुका है और ये अपडेट मुझे बहुत बेहतरीन लगा क्योंकि UMT में इसमें बहुत ही अच्छा अपडेट आया हुआ है। और क्या है अपडेट, हम इसको जानने से पहले यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ आपको अपडेट किस चीज का आया है क्या है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया, और अगर आप सपोर्ट में जाते हैं तो ये देखिए ये अपडेट आया है 0.5 आपको दिख रहा होगा, यानी कि लगभग ये आधे दिन पुराना है, लगभग 12 घंटा पुराना अपडेट है। और ये रात के समय में मुझे लगता है कि शाम के टाइम में आया है, लगभग 10-11 बजे के करीब में रात में ये अपडेट दिया गया है। और ये है UMT का QC फायर 8.4 और 8.3 पहले हम चला रहे थे, 8.4 है। इसमें क्या नया है इस चीज को जानने के लिए यहाँ पे डाउनलोड में चले आना है। यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट इसको ओके करोगे तो डाउनलोड पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपका यहाँ जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो हम डायरेक्ट यहाँ लोकेशन पे चले जाते हैं। लोकेशन पे जाने के बाद से आपको ये देखिए यहाँ पे मैंने जीप फाइल में मैंने इसको अनजीप करके रखा हुआ है, यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें नया क्या है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो कुछ भी इसमें नया जो दिया गया है वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा। क्यों बेहतरीन लगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे इंस्टॉल पे फर्स्ट टाइम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका फंक्शन आता है, और यहाँ पे ही आपको बता देगा इसमें क्या क्या नया दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक Xiaomi साइड लोड फ्लैशिंग जो कि नया अपडेट किया गया है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये मैं जब टूल को ओपन करूंगा तब आपको समझा दूंगा कि ये क्या है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका दिया हुआ है सम फीचर इज नॉट वर्क ऑल डिवाइस, यानी कि यहाँ पे कुछ फीचर ऐसे हैं जो कि किसी किसी डिवाइस में वर्क नहीं करेंगे, तो पहले ही नोट करके दे दिया गया है कि ये जो अपडेट अभी मतलब इन्होंने किया है इसमें कुछ कुछ फीचर है जो किसी किसी मॉडल में पर्टिकुलर मॉडल में काम नहीं करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने पहले ही नोट दे दिया है। तो आप लोग इस चीज का ये ना सोचे किसी फीचर किसी फोन में नहीं कर रहा है तो फिर ये क्यों नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ऐड किया गया है यहाँ पे कुछ, ये तो हमारे इंडिया में चलता ही नहीं है, आसूस के कुछ फोन चलते हैं यहाँ पे, जेन फोन मैक्स शॉर्ट का इसका एक ऐड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल फोन मोबाइल है कुछ इसका ऐड किया गया है, हॉट पेपर है इसको ऐड किया गया है, हवाई का फोन ऐड किया गया है, लेनोवो ली टीवी। और यहाँ पे इसके अलावा एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, तो इसमें ऐड तो कुछ ज्यादा नहीं किया गया है अपडेट में। मेन मेरे को एक चीज और इम्पोर्टेंट जो लगा वो ये लगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक Xiaomi साइड लोड फ्लैशिंग ये न्यू ऐड किया गया, ये सबसे ज्यादा इसमें बेटर लगा, बाकी मुझे कोई ज्यादा बेटर इसमें अपडेट नहीं लगा। तो इसको मैं अभी आगे बताता हूँ जब इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो अभी फिलहाल आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे एक चीज आपने गौर किया होगा, तो एक Xiaomi नीड ऑथ्स, यानी कि ये जितने भी एक Xiaomi के मॉडल नए इसमें ऐड किए गए हैं, इन सभी मॉडलों में अगर आप इसको अगर चाहते हो अनलॉक करना तो इसमें ऑथ है, इसको आपको ऑथ के लिए आपको UMT का क्रेडिट लगेगा, इसको क्रेडिट देना पड़ेगा तब जाके ये सारे फोन इसको आप अनलॉक कर पाओगे, बिना क्रेडिट के नहीं होगा। आप क्रेडिट कैसे लेते हैं UMT का, इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आपको बहुत जल्द लेके आऊंगा जिसमें कि आपको क्रेडिट लेना पड़ता है, क्रेडिट बहुत महंगा आता है, एक क्रेडिट लगभग 250-300 का आता है एक फोन को अनलॉक करने में। अब कितना क्रेडिट की मांग है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नीड ऑथ है यानी कि इसमें क्रेडिट देना ही पड़ेगा, या फिर इसकी एक फाइल आती है वो फाइल आपको लेना पड़ेगा। तो ये दो प्रॉब्लम होता है, तो इसको तो खैर अब हम बाद में समझेंगे, बट आपको क्रेडिट इतना समझ आइए कि ऐसे आप नॉर्मली अनलॉक नहीं कर पाओगे। बाकी अगर आप आता है तो एक बार MI असिस्टेंट में जाकर ट्राई कर सकते हो, अगर फॉर्मेट वगैरह हो गया तो आप हाथ से भी FRP हटा सकते हो। तो उसके बारे में मैं आगे चल के जैसे ये फोन मेरे पास आएगा मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा। तो ये सारी वीडियो आपको हमेशा कंटिन्यू मिलने वाली है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो अब आगे हम बात करेंगे तो यहाँ OnePlus का 8 Pro को ऐड कर दिया गया है, बाकी Samsung के बहुत सारे मॉडल ऐड किए गए हैं। Samsung के मॉडल ऐड किए गए हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि खाली एक जनो चिपसेट वाले होंगे, इसमें MediaTek Qualcomm वाले भी हो सकते हैं, तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, जिसमें कुछ नए मॉडल को भी ऐड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और नीचे भी मॉडल हैं, तो ये सब तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं, तो मैं थोड़ी देर वेट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके बाद इसको ओपन करके मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें जानने की जरूरत है। तो फटाफट से इंस्टॉल हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे जो एक आपको मैंने बताया न्यू करके ऐड किया गया है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपने कई बार गौर किया होगा कि हमारे पास कई सारे MI के फोन आते हैं जिसमें कि दो तरह का लोगो प्रॉब्लम होता है। पहला लोगो प्रॉब्लम होता है रेडमी के, जैसे फोन खुला तो रेडमी लिखता है और वहां पे जाके रुक जाता है, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है फोन के गिर और जाने की वजह से, या फिर उसका EMMC का जो बॉल होते हैं
वो सब क्या अंदर से ड्राई हो जाते हैं, बहुत पुराना होने के बाद धीरे धीरे सूख जाते हैं, तो आप उसको हीट दोगे तो चालू हो जाएगा फोन, और फिर से वो नहीं तो फिर से वही रेडमी पे लोगों पे रुका रहेगा। तो ऐसे कंडीशन वाले फोनों को हमको EMMC निकाल के उसको रिवॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद उसको एक बार चेक करना पड़ता है उसका हेल्थ आपका UFI में डाल के, वहां पर अगर हेल्थ ओके है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर से उसको पूरा उसका डाटा रिकवर मतलब उसको लेके और फिर से उसको प्रोग्रामिंग करके फिर उसके बाद तब जाके फिर रिवॉल्विंग उसको उसमें बोर्ड में डाल के तब जाके फोन चालू होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है। बाकी अगर फोन सही है उसका हेल्थ सही है तो डायरेक्ट आप निकालो उसको रिवॉल्व करके डाल दो तो ये आपका हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है सेकेंड लोगों की, और सेकेंड लोगों होता है म्यू का, यानी कि रेडमी खुल के और आपका रेडमी के बाद से सेकेंड लोगों म्यू पे चला गया, यानी कि आपका जो फोन है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हालांकि रेडमी में भी कई ऐसे फोन होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम होते हैं, बट ज्यादातर केस में EMMC का ही प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर सेकेंड लोगों पे आपका फोन चला गया है तो आपको पूरा तरह से फ्लैश करना पड़ता है दोबारा, तो UMT ने उसको अपडेट कर दिया है और यहाँ पे वो चीज हमें मतलब नया देखने को मिलने वाला है। तो अभी मेरा ये टूल खुल जाता है तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टूल ओपन हो चुका है और आपको देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, जो जो चीजें ऐड की गई यहाँ पे भी वो चीज शो हो रहा है। तो इसको तो अभी हम साइड करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रीड एंड टूल पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, आपको जो पहले था वो अभी भी है, सेम टू सेम है, यहाँ पे कोई भी चीज चेंजिंग नहीं है। इसके अलावा प्लेसर भी सेम है और यहाँ क्वालकॉम वाला जो है ये भी सेम है, इसमें भी आप देख सकते हो कोई चेंजिंग नहीं है। अगर चेंजिंग की हम बात करें तो हमारा चेंजिंग हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक नया मॉडल ऐड किया गया है, फ्लैश म्यू पैकेज, यानी कि जितने भी फोन है आपके MI के, वो अगर आपका गलती से MI के म्यू लोगों पे अटक जाते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे करके यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। तो इसमें होगा ये कि आपका यहाँ पे एक फाइल आएगा और ये फाइल आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, और आप फाइल जैसे यहाँ पे लोड करोगे, ये म्यू की फाइल जब लोड हो जाएगी तो आपका जो भी फोन है, ज्यादा लंबा चौड़ा ये फाइल नहीं रहता, छोटा सा फाइल आपको मिलेगा, और आप डायरेक्ट यहाँ से उस फोन का जो म्यू का प्रॉब्लम होगा वो आप हैंडल कर पाओगे और यहाँ से फ्लैश करके उसको तुरंत और तुरंत ठीक कर पाओगे। तो ये जो अपडेट था ये ज्यादा बेटर था मुझे, मतलब मुझे ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि फ्लैश म्यू पैकेज जो है वो आपको इसीलिए दिया गया है कि आप डायरेक्ट फाइल देके आप उसको डायरेक्ट आप उसको म्यू का जो प्रॉब्लम है उसको सही कर पाओ। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इसी प्रकार के वीडियोस को अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर लेटेस्ट लेटेस्ट जानकारी तुरंत चाहिए तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।